यहाँ पर PVR हम लोग पटना में खुलने वाला, ये जो कलर किया गया है तो यहीं पर खुलने वाला हम लोग का स्टारबक्स। देखिए इसको छुपा दिया गया, बहुत कोई आगे वीडियो बना रहा था इस कारण से। इस 3D कॉम्प्लेक्स के 4th फ्लोर पर टाटा का जिंगर होटल भी खुलने वाला है। और यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा कार को ऊपर ले जाएगा, वो आपको यहाँ पर दिखने वाला बिहार में पहली बार। हेलो दोस्तों, मैं हूं जय, स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो पटना में जल्दी खुलने वाला है स्टारबक्स। कहां पर खुलेगा, क्या लोकेशन है, क्या कुछ यहां पर और होने वाला, सब कुछ बताएंगे इसी व्लॉग में, तो लास्ट तक व्लॉग पे बने रहिए। ओके दोस्तों, बेलूर से हम लोग आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहीं पर बन रहा है 3D कॉम्प्लेक्स मॉल, देख सकते हैं पूरा अच्छा से आपको दिखाएंगे। पहले बाहर से दिखा देते, कमी दूर यहाँ पर क्या होने वाला है, देख लीजिए। ये देखिए इसको पूरा कलर कर दिया गया है, देख सकते हैं ये जो कलर किया गया है, यहीं पर खुलने वाला हम लोग का स्टारबक्स। देखिए इसको छुपा दिया गया, बहुत कोई आगे वीडियो बना रहा था इस कारण से, इसी में स्टारबक्स खुलेगा। अच्छा से पूरा आपको अपडेट चल के देते हैं। ये ग्रीन ही देख लीजिए फिर से, इंस्टाग्राम पर मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ, यहाँ पर उस समय नहीं था लेकिन इसको कलर कर दिया गया, लोग आकर पहले से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए इस कारण से। तो दोस्तों, पटना में जल्दी खुलने वाला 3D कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, ये कोई एक मॉल नहीं है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बहुत सारे न्यूज़ में मैंने देखा इसके बारे में, पहले अच्छा से देखा जाना, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। इसमें PVR खुलने वाला है, 3 स्क्रीन 4 स्क्रीन, जी नहीं, इसमें PVR क्या है, इसमें कोई भी सिनेमा हॉल नहीं खुलने वाला है क्योंकि ये मॉल नहीं है। मैं अभी वीडियो के शुरुआत में यहाँ पर बोला था यहाँ पर PVR हम लोग पटना में खुलने वाला, बट फिर घर आया तो पूरा जानकारी लिया तो पता चला कोई PVR नहीं खुलने वाला है, ये एक 3D कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल, इसको आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। और क्या कुछ यहाँ पर होगा सब कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बोला था यहाँ पर स्टारबक्स खुलने वाला, जी हाँ, ये वो ऑफिशियल हो चुका है, यहाँ पर स्टारबक्स खुलने वाला है। उसको काला कर दिया गया इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं भी हूँ और बहुत लोग इंस्टाग्राम पर जो शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर बार बार सब कोई आके स्टारबक्स को पहले ही प्रमोट कर दे रहे थे, इसलिए उसको काला कर दिया गया है कि अभी तो ये पूरा बनकर रेडी नहीं हो, अभी से स्टारबक्स का प्रमोशन स्टार्ट हो गया, क्या पता स्टारबक्स कैंसिल भी हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि अभी इस मॉल, ये शॉपिंग मॉल को बन के पूरा तैयार होने में मेरे को लगता है 1-2 साल अभी लगने वाला है। इस साल तक तो नहीं होने वाला ये देखने से लग रहा है, तो अगले साल तक मेरे को लगता है इसका ओपनिंग हो जाएगा, 2025 बताया जा रहा है। 2025 में बहुत सारे मॉल पटना में खुलने वाले हैं, तो स्टारबक्स का इंतजार है। स्टारबक्स में क्या कुछ होता है, बहुत लोग जिनको नहीं पता होगा, स्टारबक्स बहुत महंगा कॉफ़ी होता है। जी हाँ, ऐसे तो पटना में 100-200 रुपये का जल्दी कोई कॉफ़ी पीता नहीं है, बट शो ऑफ के लिए स्टारबक्स में लोग आ सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता यहाँ पर चलने वाला है स्टारबक्स, क्योंकि स्टारबक्स जब शुरू में आया था तो बहुत हर जगह उसका नाम चला था, मेट्रो सिटी हर जगह, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था तो ऐसा कुछ खास भीड़ दिखा नहीं, बिल्कुल खाली दिख रहा था। जब शुरू में स्टारबक्स का नाम आया था तो बहुत भीड़, हर कोई वीडियो बना के डालते थे इतना पी है यहाँ का, इतना महंगा कॉफ़ी है, लेकिन अब वैसा कुछ रहा नहीं। तो अब मेरे को लग रहा है पटना में आएगा तो वैसा कुछ फ़ायदा होगा नहीं उनको, शुरू में शायद कुछ दिन महीना चले लेकिन बाद में रिस्पॉन्स पे नहीं मिलेगा, उतना महंगा कोई जल्दी कॉफ़ी पीना नहीं चाहेगा, 1200-1000 रुपये का कॉफ़ी जाता है अप्रॉक्स। तो दोस्तों, ये स्टारबक्स का बात हो रहा था, और आपको बता देते हैं बहुत यूनिक चीज़ यहाँ पर खुलने वाला है पटना में, अपने बिहार में पहली बार मल्टी लेवल पार्किंग होने वाला है। बोलिए, मल्टी लेवल पार्किंग है क्या, बट विथ कार लिफ्ट। जी हाँ, कार को लिफ्ट करने वाला पार्किंग फर्स्ट टाइम अपने बिहार में पटना में खुलने वाला, जी हाँ, इसी 3D कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। यहाँ पर बिहार का पहला कार लिफ्टिंग वाला भी होने वाला, जी हाँ, कार को लिफ्ट करके ऊपर से ले जाया जाएगा, वैसा मतलब आपको मिलने वाला पार्किंग। वैसे तो पार्किंग आप लोग अंडरग्राउंड करते हैं, बट यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा कार को ऊपर ले जाएगा, वो आपको यहाँ पर दिखने वाला बिहार में पहली बार। बाकी इसके डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला, पूरा ग्लास फिनिशिंग दिया जाएगा। इस 3D कॉम्प्लेक्स के 4th फ्लोर पर टाटा का जिंगर होटल भी खुलने वाला, जी हाँ, होटल में क्या कुछ होगा वो भी आपको बता देते हैं। रूम होगा, डाइनिंग होगा, सर्विस फैसिलिटी होगा, मीटिंग इवेंट्स वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, स्पेशल ऑफर वगैरह कुछ आते रहेगा। अभी हम लोग गैलरी का कोई फोटो नहीं मिला है, नहीं तो मैं यहाँ पर स्क्रीन में लगा देता। जिंगर होटल के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। लग्जरियस मैट्रेस होगा, इंटरनेशनल चैनल्स होगा, हाई स्पीड वाईफाई नेट एक्सेस होगा, टी कॉफी मेकर होगा, 40 LED TV यहाँ पर लगेगा, टेलीफोन्स होगा, एयर कंडीशनिंग होगा, शोर विथ 24 आवर हॉट एंड कोल्ड वाटर, कम्प्लीमेंट्री मिनरल वाटर, मिनी रेफ्रिजरेटर, ये सब कुछ होने वाला। जहाँ मेरे को पता चला मैंने सब कुछ बता दिया। टोटल 10 फ्लोर का ये 3D कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बता देते हैं ये शॉपिंग मॉल, इसको आप लोग बोल सकते हैं मॉल एक टाइप से नहीं हो, क्योंकि मॉल जब बोलते हैं तो वहाँ सब कुछ होता है, सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होता है। शॉपिंग मॉल मतलब सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, सिनेमा हॉल ये सब आपको कुछ भी वहाँ पर नहीं रहता है, तो यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं है। न्यूज़ में बहुत सारे बोल रहे हैं PVR खुलने वाले, पता किए ना कोई PVR है, कोई भी सिनेमा हॉल खुलने ही नहीं वाला है, PVR तो दूर की बात है, कोई सिनेमा हॉल नहीं यहाँ पर खुलने वाला है। बाकी ऐसे पटना के अपडेट आते रहेंगे और इसके बारे में जानकारी मिलेगा तो अगले ब्लॉग में और कुछ लेकर आएंगे। बाकी यहाँ पर आपको पार्किंग लिफ्ट वाला वो भी आपको बता दिया, बिहार में पहली बार कार लिफ्टिंग पार्किंग में यहाँ पर होने वाला है।
बाकी जहाँ जहाँ मॉल खुल रहा है सबका आपको दोस्तों अपडेट देते हैं। कभी कभी लेट हो जाता है कि किसी कारण से, थोड़ा आपको बार बार मैं हर ब्लॉग में बोल रहा हूँ, मेरा दोनों किडनी में स्टोन है तो बहुत पेन होता है, उसके कारण से बहुत सारे ब्लॉग मेरा पहले शूट रहता है तो उसी को बस एडिट करके डालना पड़ता है। और कभी कभी मैं पटना में नहीं रहता हूँ तो ब्लॉग डालने में कभी कभार लेट हो जाता है। बाकी मेरा चैनल पर अब चैलेंज ब्लॉग भी आता रहेगा, सप्ताह में कोशिश करूँगा, एक दो सप्ताह में एक ब्लॉग लाने का जरूर कोशिश करूँगा। चैलेंज ब्लॉग भी आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, से छोटा सा अपडेट था, फाइनली यहाँ से निकलेंगे, ऐसे ही और ब्लॉग आते रहेंगे और अपडेट आते रहेंगे। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।